अगर आप बिगिनर हैं और ड्रोन फोटो बनाने का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप में ड्रोन फोटो को अच्छी तरीके से परफेक्टली बना सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए हैं, बिगिनर हैं, जो सीखना चाहते हैं कि फोटोशॉप में कैसे ज्वाइन फोटो को बनाया जाता है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि फोटोशॉप में सिंगल फोटो तो बना लेते हैं लेकिन ज्वाइन फोटो बनाने में उनका पसीना छूट जाता है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि आप ज्वाइन फोटो को फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं बहुत ही ईजिली 5 मिनट के अंदर। उसके बाद आप अच्छी तरीके से बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फोटोशॉप में ज्वाइन फोटो कैसे बनाया जाता है। तो हमने एक फ़ोटो ले लिया है अपने कंप्यूटर में, अब इस कंप्यूटर में फ़ोटो ले लिया, इसको हम क्रॉप करेंगे फ़ोटो को। ये दोस्तों इस फोटो को हम क्रॉप करेंगे। देखिए आप जब भी फोटो खींच रहे हो ज्वाइंट में तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सेम रहना चाहिए, तभी फोटो को बनाने में अच्छा लगता है। तो पहला ध्यान रखिए आप लोग कि फोटो को बैकग्राउंड जो है वो एक ही कलर में रहना चाहिए, तभी ये फोटो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका बैकग्राउंड, इस फोटो का बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्क दिख रहा है पीछे का जो है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम किस टूल का प्रयोग करेंगे, मैजिक टूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैजिक टूल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैजिक टूल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जो बैकग्राउंड है पीछे का उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, इतना सिलेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम शिफ्ट दबाएंगे और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम क्लिक करते जाएंगे बारीकी से। देखिए अभी इतना सिलेक्ट हुआ है, इसे इसे दबाते दबाते हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो टॉलरेंस है वो 10 या 20 पॉइंट रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो टॉलरेंस है 10 या 20 पॉइंट से अधिक रहेगा तो आपका फोटो अच्छे तरीके से नहीं ले पाएगा जो भी मैजिक टूल का प्रयोग करेंगे आप। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसका जो टॉलरेंस है मैजिक टूल का उसको 10 या 20 में ही रखना चाहिए। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने, इतना सेलेक्ट हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करते रहेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के इसको हम अच्छे से, देखिए दोस्तों यहाँ पे अधिक हो गया है तो हम Ctrl+Z दबा के पीछे जा सकते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट दबाएंगे, देखिए फिर से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, जो टॉलरेंस है इसको हम 10 कर देंगे। अब 10 हो गया, अब थोड़ा कम लेगा दोस्तों, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। देखिए इसका जो बैकग्राउंड है अच्छे से जो है मैजिक टूल की सहायता से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, मैजिक टूल की सहायता से इसका हम बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा दिख रहा है लेयर वाला ऑप्शन, इसके बदले में सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे हम, फीचर पे क्लिक करेंगे। फीचर पे क्लिक करके इसका जो रेडियस है इसको हम 10 या 20 पॉइंट रखेंगे। मान लीजिए हमें 20 पॉइंट रखना है, यानी मान लीजिए 12 पॉइंट रखना है, हम 12 पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और हम कीबोर्ड से बैक स्पेस का ऑप्शन क्लिक कर देंगे बेस्ट से, और मैजिक टूल को बगल में क्लिक करके छोड़ देंगे। आप देखिए दोस्तों, फोटो का जो बैकग्राउंड है कितना शानदार तरीके से रिमूव हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है फोटो, देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास एकदम अच्छा लग रहा है फोटो। पीछे का जो बैकग्राउंड हो गया अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है। आप फोटो को थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, तो हम इमेज में जाने के लिए इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे। अब ब्राइटनेस पे आएंगे, ब्राइटनेस पर आने के बाद थोड़ा सा जो कंट्रेस्ट रहता है उसका हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे 10 पॉइंट। देखिए दोस्तों, फोटो में नया लुक आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट में आएंगे, ऑटो लेवल पर क्लिक करेंगे, फिर एडजस्टमेंट में आएंगे दोस्तों, फिर ऑटो कंट्रेस्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर एडजस्टमेंट में आएंगे हम दोस्तों, सिलेक्टिव कलर पर क्लिक करेंगे और जो इसका ब्लैकनेस है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ से -30 कर दे रहे हैं इसको हम दोस्तों, -30 कर दे रहे हैं, इतना आने देते हैं 29 पे। येलो को थोड़ा सा कम करेंगे, मैजेंटा को थोड़ा सा कम करेंगे और सियान को भी थोड़ा सा कम करेंगे। इसके बाद जो रेड्स वाला ऑप्शन है इसको हम ब्लैक कर देंगे, अब ब्लैकनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि बाल जो है थोड़ा सा ब्लैक हो जाए। तो हम बढ़ा दिए हैं ब्लैकनेस को, अब देखिए बाल कितने अच्छे तरीके से काले हो गए हैं। अब बाल काले हो गए इसके मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा फोटो। अब इस फोटो को हम जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर इसका दिख रहा है इसको थोड़ा सा हम डिजाइन में डिजाइन देंगे। तो इसके लिए हम इसका रेक्टेंगल का प्रयोग करेंगे, रेक्टेंगल का इस भी हम इस वाले को कॉर्नर से माउस को प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही सीधा लेते आएंगे नीचे की तरफ, तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद एडिट पे आएंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और जो मेरा कलर है इसको हम ब्लैकनेस करेंगे, इसका जो कलर है इसको हम ब्लैक करेंगे, ओके कर देंगे। और जो फिर इसका विथ है इसको हम 4, 5 या 10 पॉइंट पर जितना आपको अच्छा लगता हो, तो हम यहाँ पे 15 कर दे रहे हैं, ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छे तरीके से मेरा बॉर्डर जो है बन गया है, बॉर्डर अच्छे तरीके से बन गया। इसके अलावा आप एक और तरीके से बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, Ctrl+A दबाएंगे तो ये मेरा सिलेक्ट हो जाता है बॉर्डर। और एडिट में आएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और कलर पे सिलेक्ट करके हम ब्लैक कलर सिलेक्ट को, ब्लैक वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो ये मेरा बॉर्डर सिलेक्ट हो जाता है।
अब इस हम फोटो को अपने प्रिंटर से बाहर निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो मेरे सामने न्यू का पेज खुल जाएगा, जिसमें अगर आपका प्रिंटर A4 का है तो फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रिंटर हो सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो मेरा A4 साइज का है तो हम A4 पर क्लिक कर देंगे और ओके पे प्रेस करेंगे, माउस का प्रयोग करके थोड़ा साइड कर लेंगे और इस फोटो को ड्रैग करके दाहिने बटन, जो दाहिना माउस होता है बटन, उसको हम क्लिक करके इसमें खींच लाएंगे, इसमें थोड़ा सा मैक्सिमाइज करेंगे और फोटो को अच्छे से सिलेक्ट करेंगे हम। देखिए दोस्तों, फोटो को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस T दबाएंगे और शिफ्ट दबा के माउस को अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, इतना रहने देते हैं दोस्तों और इंटरफेस कर देते हैं। अब Alt दबा के फोटो का दो लेयर तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दो फोटो तैयार हो गया है, दो फोटो बन गया है। अब इस फोटो का हम 4 कॉपी करेंगे तो कंट्रोल प्लस E दबाएंगे और Alt दबा के इसका हम 4 कॉपी कर लेंगे। ये दोस्तों 4 कॉपी हो गया इसका। अब इसका हम मान लीजिए हमें 8 कॉपी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस E दबाएंगे तो ये मेरा सभी फोटो एक ही लेयर में सिलेक्ट हो जाता है। अब इसको हम Alt दबाएंगे, Alt दबा के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे माउस को तो मेरा 4 का 8 कॉपी बन जाएगा। फिर Alt दबाएंगे तो अब माउस को नीचे खींचेंगे तो इसका 12 कॉपी बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों देखिए, इसका 8 कॉपी बन गया, 12 कॉपी बन गया है। अब इसको सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की दबाएंगे तो मेरा 12 कॉपी जो है एक साथ लेयर में आ गया है। अब Alt दबा के माउस को खींचेंगे नीचे की तरफ तो मेरा ये 12 का 12 हो जाता है, तो मेरा ये 24 कॉपी हो गया एक ही पेज में। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, देखिए दोस्तों फोटो को कितना अच्छा दिख रहा है फोटो। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, कितना शानदार तरीके से फिट हुआ है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है फोटो को, फोटो क्वालिटी। तो इस फोटो को हम प्रिंट करने के लिए हमें फाइल में आना हो, फाइल में आएंगे और प्रिंट विथ प्रीव्यू क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, फोटो एकदम परफेक्टली फिट हो चुका है। प्रिंट क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी प्रिंटर होगा प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा ये ऑप्शन L380 है तो हम L380 पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके एप्सन मेटल का प्रयोग करेंगे, आप फ्रेम घटाना है मेटल का प्रयोग करना है तो एप्सन मेटल पर क्लिक करेंगे, क्वालिटी जो इसको हाई रखना है, कलर जो है कलर रखना है, ओके को प्रेस करेंगे, इसको भी ओके करेंगे तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से बनाया जाता है फोटो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।